विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, यह पेपर दिनांक 15 जुलाई 2024 रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। विद्यार्थियों, पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, पेपर प्रथम वर्ष का पेपर है, एग्जामिनेशन ईयर 2024 है। इसमें हम देखेंगे फाउंडेशन कोर्स का पार्ट फर्स्ट भाषा और संस्कृति और पार्ट सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर के 50+50 यानी 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो विद्यार्थियों, आपसे एक अनुरोध है, इस पेपर के सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं, उससे पहले कि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, अपने क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। अभी तक आपने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। विद्यार्थियों, चलते भाषा और संस्कृति के पहले प्रश्न की ओर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मातृभूमि कविता के रचनाकार कौन है? तो पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। दूसरा प्रश्न, रत्नाकर का समानार्थी क्या होता है? तो दूसरे का ए हो जाएगा, सागर होता है। तीसरा प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त की कृतियों का जो महाकाव्य है उसका नाम क्या है? तो तीसरे का डी हो जाएगा, उसका नाम साकेत है। प्रश्न क्रमांक चार, कौन मातृभूमि के ऊपर पानी का अभिषेक करता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, पयोदय बादल, क्या हो जाएगा, बादल अभिषेक करते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक पाँच की तरफ, मैथिली शरण गुप्त की भाषा कैसी थी? तो मैथिली शरण गुप्त की जो भाषा थी वो जनरली खड़ी बोली थी। क्या थी? खड़ी बोली। प्रश्न क्रमांक छः, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या रहा है? तो छठे का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उनका वास्तविक नाम रहा है धनपत राय। प्रश्न क्रमांक सात, कथा सम्राट की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो सातवें का सी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जी को कथा सम्राट की उपाधि दी गई। प्रश्न क्रमांक आठ, तो यहाँ पर जो मीर और मिर्जा का आपसे संबंध क्या था? तो आपस में मित्र थे। क्या थे? मित्र थे। नौवां प्रश्न, निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो बुढ़िका की, पंच परमेश्वर, ईदगाह और आकाशदीप, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो नौवे का डी हो जाएगा, आकाशदीप। आकाशदीप जो है वो जय शंकर प्रसाद की रचना है। किसके विद्यार्थियों? जय शंकर प्रसाद की रचना है। प्रश्न क्रमांक 10, मीर और मिर्जा का चरित्र कैसा है? तो एक वर्गीय चरित्र है। क्या है? वर्गीय चरित्र। वर्गीय मतलब कि जो एक, ये बोल सकते हैं कि जो एक भोग विलासिता में डूबे रहते हैं, उस चरित्र को वर्गीय चरित्र कहते हैं, इसलिए यहाँ पर दसवें का ए हो जाएगा। ग्यारहवा, शरद जोशी का जन्म महाकाल की नगरी उज्जैन में हुआ है। बारहवा प्रश्न, शरद जोशी किस विधा के लेखक रहे हैं? तो वो व्यंगकार रहे हैं। कौन रहे? व्यंगकार रहे हैं। बारह, तेरहवा प्रश्न, अखबारों में किसकी तस्वीर छपी थी? तो वहाँ पर देखें तो चने के पेड़ के साथ जो इल्ली लगी रहती उसकी तस्वीर छपी थी। तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, इल्ली की तस्वीर छपी थी। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 14, अफसर को किसकी कविता याद आई? तो मैथिली शरण गुप्त की कविता याद आई। प्रश्न क्रमांक 15, किसान ने जीप पर क्या रखने को कहा गया? तो किसान को हरे चने रखने को कहा गया। तो यहाँ इसमें डाउट है, हरे चने का ढेर है, सूखा चना है, मटर का ढेर और गेहूं का ढेर है, तो हरा चना कहीं पे ऑप्शन में नहीं है। हरे चने का ढेर जरूर है पर हरा चना नहीं है, तो आप 15 का ए मान सकते हैं, पर एग्जैक्ट आंसर इसका क्या है? हरा चना। 16 प्रश्न, इलाका अभिप्राय पृथ्वी। 17, रामायण की रचना मूल रूप से वाल्मीकि जी ने की, महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। रामायण किस युग से संबंधित है? तो देखिएगा, द्वापर युग का संबंध तो भगवान कृष्ण से है, ठीक है, और सतयुग में ऐसा माना जाता है कि ये पृथ्वी का जो मनु की जो उत्पत्ति हुई थी और जो पृथ्वी का उद्गम माना जाता है वो सतयुग से माना जाता है। तो राम का जो संबंध है, रामायण का संबंध है, वो त्रेता युग से रहा है। याद रखिएगा, त्रेता युग से रहा है। 18वें का सी ऑप्शन हो गया। और कलयुग जो अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं, इसमें भगवान कल्कि का अवतार माना गया है। 19वां, रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास जी रहे, गोस्वामी तुलसीदास। 20वां प्रश्न, राम के पिता का नाम आप लोग अच्छे से जानते हो, दशरथ, इसलिए राम को दशरथ नंदन भी कहा जाता है। उत्साह निबंध किस प्रकार का निबंध है? तो मनोविकार संबंधी निबंध है। कौन सा? मनोविकार संबंधी निबंध है। 22वां प्रश्न, उत्साह कौन उत्पन्न करता है? तो कर्म भावना उत्साह को उत्पन्न करती। कौन? कर्म भावना उत्साह को उत्पन्न करती है। 23वां प्रश्न, कर्म में आनंद
अनुभव करने को क्या कहते हैं? तो विद्यार्थियों 23 का ए हो जाएगा, उसको कर्मण्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मण्य कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 24वां, प्रश्न क्रमांक 24, चलो भैया कहाँ है प्रश्न क्रमांक 24। उत्साह निबंध की भाषा जो है वो जनरली खड़ी बोली, उसके अंदर क्या है? खड़ी बोली। 25वां प्रश्न, उत्साह की गणना कैसे गुणों में होती है? तो आत्मविश्वास पर निर्भर होता है। किस पे? आत्मविश्वास है। 26वां प्रश्न, दिनकर का समानार्थी, दिनकर का समानार्थी भानु, भास्कर, सूर्य एटसेट्रा होते हैं, सूर्य हो जाएगा। 27, संस्कृति के चार अध्याय के रचनाकार कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न है विद्यार्थियों। तो 27 का ए हो जाएगा ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर है, और इन्हें इस संस्कृति के चार अध्याय के लिए 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार। 28वां प्रश्न, दिनकर जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उर्वशी के लिए उन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसके लिए? उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 29वां प्रश्न, भारत एक है निबंध लेखक के रचना हमारी संस्कृति एकता से लिया गया है। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30वां, निम्न से कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो विद्यार्थियों 30वें का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उर्वशी दिनकर जी की रचना है। शंकराचार्य ने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। 31वें का डी ऑप्शन हो जाएगा। 32वां, शंकराचार्य ने नर्मदा प्रार्थना स्त्रोत का नाम क्या है? तो कनक धारा स्त्रोत। 33वां, पर शंकराचार्य की माता का नाम अयम्बा देवी। शंकराचार्य ने किस आयु में संन्यास ग्रहण किया था? तो 8 वर्ष की आयु में। अमृत का पर्यावाची 35वां प्रश्न क्या होगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सुधा। कमल का पर्यावाची नहीं है तो पवन नहीं है। 36 का सी हो जाएगा, पवन नहीं है। अपना का विलोम पराया। 38 क्वेश्चन, असुर का विलोम सूर, असुर का विलोम सूर, याद रखिएगा असुर का विलोम सूर हो जाता है। तो यहाँ पर मानव का दानव होता है तो असुर का सुर हो जाता, देवता तो देवता हो जाता पर देवता नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा? सुर आ जाएगा यहाँ पर। 38 का सी। 39, जिसका जन्म पहले हुआ उसे आप क्या कहोगे? अग्रज, और जो बाद में हुआ उसको अनुज। तो अग्रज यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 40वां, केवल फल फूल और शाक खाने वाले को शाकाहारी कहते हैं। क्या कहा जाता है? शाकाहारी। 41, उच्च कुल में उत्पन्न होने वाले को क्या बोलते हैं? कुलीन। क्या बोलते हैं? कुलीन। 42 क्वेश्चन नंबर, जो तर्क करता है उसे तार्किक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तार्किक। 43, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? इसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा, बड़ा सरल सा प्रश्न है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। 44, संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अच्छा प्रश्न है। 45वां, भानुदय का संधि विच्छेद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45, तो 45 करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भानु प्लस उदय। सी ऑप्शन है भानु प्लस उदय, याद रखिएगा। क्या ऑप्शन है इसका? सी ऑप्शन हो जाएगा, भानु प्लस उदय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे तो 46, व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है? तो जगदीश, जग प्लस दीश। 46 का ए, हिमालय और हिमालय के अंदर और महोदय के अंदर स्वर संधि है और निराशा में विसर्ग संधि आती है, तो जगदीश आ जाएगा व्यंजन संधि। भारतीय संस्कृति का पहला पुरुषार्थ क्या है? तो भारतीय संस्कृति में टोटल 4 पुरुषार्थ बताए गए। कितने? 4 पुरुषार्थ है। कौन कौन से? पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा धर्म, 47 का डी। 48, अम ब्रह्मास्मि कौन से सिद्धांत का महावाक्य? तो अद्वैतवाद का महावाक्य। शासन प्रशासन एवं राजकाज की भाषा कहलाती है तो उसको राजभाषा कहते हैं। 49 का राजभाषा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 50वां, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम पूरा मॉडल योजना केंद्रित थी? तो ग्रामीण विकास पर केंद्रित थी। किस पर केंद्रित थी विद्यार्थियों? तो ग्रामीण विकास पर केंद्रित थी। तो ये तो हम लोगों ने अभी देखा यहाँ पर हिंदी प्रश्न के, जो हिंदी लैंग्वेज है, भाषा और संस्कृति, उसके 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन। अब आपको स्क्रीन पर इस पेपर का सेकंड पोर्शन आपको दिखाई देने लग गया है, ठीक है। बीए सेकंड ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, एग्जामिनेशन ईयर 2024, फाउंडेशन कोर्स का पेपर है और इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर का पेपर है, जिसमें हम यहाँ पर बात करेंगे अब सॉल्यूशन की। तो विद्यार्थियों, वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, ठीक। दूसरा अनुग्रह, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका अपना चैनल है, मेरा नहीं है, आपका चैनल है। आपका चैनल है तो सब्सक्राइब किसको करना है? आपको करना है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, अपने क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। चलते हैं देर ना करते हुए पहले प्रश्न की ओर। विच इज़ द फेमस वर्क ऑफ टैगोर? तो गीतांजलि।
गीतांजलि टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत अच्छी सी बुक है गीतांजलि। हु इज दी इन द पोइम ऑफ टैगोर, तो दूसरे का डी हो जाएगा इसमें, गुड स्पिरिट ऑफ नेशंस, गुड स्पिरिट्स ऑफ नेचर, गुड स्पिरिट्स ऑफ नेशंस। तीसरा प्रश्न, हु इज द पोइट वेयर द माइंड इज नॉट फियर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरे का ए हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। चौथा, द पोइट अटेन इन्वॉल्व द माइंड विदाउट फियर टू, तो चौथे का सी हो जाएगा यहाँ पर अटेन फ्रीडम, क्या हो जाएगा चौथे का सी अटेन फ्रीडम। पांचवा प्रश्न, फादर इन द टैगोर पोइम, तो पांचवे का ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ए ऑप्शन। छठा, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ आर रविन्द्रनाथ टैगोर इज रिफ्लेक्टेड इन दिस पोइम वेयर द माइंड विदाउट फियर्स, तो छठे का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। सातवां प्रश्न जो दिया हुआ उसका करेक्ट आंसर भी ए हो जाएगा, एजुकेशन शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ एवरीवन। आठवां प्रश्न, इन विच ईयर वेयर द माइंड विदाउट फियर इज एडेड इन गीतांजलि, तो आठवें का ए हो जाएगा 1910, ए ऑप्शन करेक्ट है 1910 में। नौवां, द डेड हैबिट्स इज कंपोज्ड टू ए एन, तो नौवे का सी हो जाएगा डिजर्ट, क्या हो जाएगा डेजर्ट। दसवां, वेयर द माइंड इज लीड फॉरवर्ड बी दी हेयर द वर्ड वेयर रिफर्ड टू, तो दसवें का यहाँ पर विद्यार्थी मुझे जो लग रहा है वो सी ऑप्शन होना चाहिए, एन इमेजनरी वर्ड, या फिर डी भी हो सकता है, सी या डी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप इस प्रश्न को एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, या तो सी होगा या फिर डी होगा। ग्यारहवां प्रश्न, महात्मा गांधी आर्टिकल्स टाइटल नेशनल एजुकेशन पब्लिश द यंग इंडिया ऑन, तो ग्यारहवें का ए ऑप्शन हो जाएगा 1 सितंबर 1921। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, द इंप्रेशंस हेड इन होल्ड हाई इंडिकेट्स, तो बारहवें का सी हो जाएगा फ्रीडम ऑफ माइंड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। आगे चलते हैं तेरहवें प्रश्न की तरफ, हु इज द फर्स्ट रिसिपेंट्स ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड, तो तेरहवें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, आर के नारायण बुक्स स्वामी एंड फ्रेंडा वॉज पब्लिश इन द ईयर, बहुत अच्छी बुक है विद्यार्थियों, कभी भी आपको पढ़ने को मिले तो, मैंने मेरे जीवन में इससे बढ़िया बुक नहीं पढ़ी है, स्वामी एंड फ्रेंड्स बहुत शानदार बुक्स है। यदि आपको कभी कोई सीरियल देखने को मिले तो एक देखना, इसी बुक के ऊपर एक सीरियल बना था मालगुडीज डे, इस बुक के कुछ अंश वहाँ पर लिए गए थे। तो 14 का ए ऑप्शन हो जाएगा 1935। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक बाय आर के नारायण इज अ नॉट कलेक्टिव द शूड शॉर्ट स्टोरीज, तो 15 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा द ग्रांड मदर्स टल्क। 16 प्रश्न, वेलिन इज द लॉर्ड हिज वाइफ एंड ऑफ हिज चिल्ड्रंस, तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन एक्ट, वेलिन बिलोंग्स टू कोप्पल, वेलेन कहाँ में रहता था, तो कोप्पल गांव में रहता था वो, इसलिए तो 17 का बी हो जाएगा। 18, अमंग ऑल ट्रीज वार पर्टिकुलर डियर टू वेलिन, तो मार्गोसा ट्री हो जाएगा, 17 का बी मार्गोसा ट्री। 18, देम थीम ऑफ स्टोरी द एक्स इज, तो एक्स की जो है स्टोरी उसकी थीम जो थी वो सी ऑप्शन हो जाएगा, कंट्रोल सॉरी कौन सा प्रश्न है, ऑल ऑफ दीज होगा इसमें, ऑल ऑफ दीज डी ऑप्शन है, बीसवा बिल्कुल 19 का डी होगा, 20वां प्रश्न, ही सॉ मैन कटिंग से डाउन हिज मार्गोसा ट्री, 4 क्या हो जाएगा 4। 21वां, गांधी जी द स्टोरी माई एक्सपीरियंस विद ट्रू वॉज ओरिजिनल रिटन बाय इन, 21वें का करेक्ट आंसर बी होगा यहाँ पर, बी आंसर करेक्ट होगा बिल्कुल, ये जो बी दिया हो ना इसको करेक्ट हो जाएगा ये बी ऑप्शन, अरे ये रहा बी ऑप्शन करेक्ट है, महादेव देसाई, ध्यान रखना बी ऑप्शन करेक्ट है महादेव देसाई। 22वां, हु अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरियंस हैज रिटन द बुक टाइटल वंडर दैट वाज इंडिया ए एल भाषम, 22वें का ए ऑप्शन करेक्ट होगा ए एल भाषम। 23वां, द बुक द वंडर दैट वॉज इंडिया वॉज ओरिजिनेटेड पब्लिश इन विच ईयर, तो 23वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1954। 24वां, द बुक द वंडर दैट वॉज इंडिया वॉज डिवाइडेड इन टू हाउ मेनी चैप्टर,
बहुत बढ़िया बुक है, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। कितने चैप्टर में इसको डिवाइड किया गया? तो 24वें का हो जाएगा सी ऑप्शन, 10 चैप्टर में। याद रखना 10 चैप्टर में डिवाइड किया गया, 12 में डिवाइड नहीं किया गया है, 10 चैप्टर है इसके। आगे चलते नेक्स्ट 25। हूँ एडवाइस पांडवास नोट टू इंक्लूज इन द वॉर टू अचीव देयर गोल्स। कृष्णा, करेक्ट आंसर भगवान कृष्ण ने कहा था यह स्टेटमेंट। 2600 व्हाट वर द युधिष्ठिर्स वीकनेस? तो 26 का सी हो जाएगा गैम्बलिंग्स। आपको याद है वो द्रौपदी को जो हार गए थे तो गैम्बलिंग थी, मतलब वो खेल में उनकी एक बुराई जो थी ना, वीकनेस, वो खेल थी। 27वां हू हैज रिटन महाभारत? महाभारत किसने लिखी? तो वेद व्यास ने लिखी है। किसने? वेद व्यास ने। हू हैड अ बूम टू सेलेक्ट द टाइम ऑफ हिज डेथ? तो भीष्म पितामह ने अपनी डेथ को सिलेक्ट कर रखा था कि वो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, क्योंकि वो किसके पुत्र थे आपको याद होगा, गंगा के पुत्र थे। इसलिए सिलेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस किंग पांडवास मेरिट। तो कुंती ने कहा था कि अपने इच्छानुसार आप शादी कर लीजिए, और ऐसा कुछ कहा था कि वो द्रौपदी को डिस्ट्रीब्यूट कर लें, ऐसा कुछ ऑप्शन था उसने। तो 29 का सी हो जाएगा। 30वां कंपेरिशंस मीन्स, तो 30वें का हो जाएगा सी ऑप्शंस अंडरस्टैंडिंग्स। अनसीन पैराग्राफ इज, तो 31 का हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन अनसीन पैसेज। 32 सेट ऑफ वर्ड दैट आर एडिंग टू द एंड ऑफ एनी वर्ड आर, तो 32 का हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन सफिक्स। 33 इज एसेंशियल टू यूज डिक्शनरी फॉर द अंडरस्टैंडिंग अ लैंग्वेज, तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ट्रू। नेक्स्ट 34 इंसेक्ट सूटेबल आर्टिकल्स, जॉन इज गुड बॉय, तो 34 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जॉन इज अ गुड बॉय, ए ऑप्शन हो जाएगा गुड बॉय ए। 35वां सी ऑप्शन द गंगाज इज अ होली रिवर, द आ जाएगा यहाँ पर 35 में द आ जाएगा। 36 गिव सिनोनिम्स ऑफ ए मोमेंट, तो इसका मोबिलिटी। 36 का सी हो जाएगा मोबिलिटी। मोमेंटम का मतलब भी चलना होता है, दौड़ना होता है, भागना होता है, और मोबिलिटी का मतलब होता है चलना होता है। कंप्रेशन इज अ स्टेप प्रोसेस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा 3। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द कंप्रेशन प्रोसेस, तो 38 का डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 39 द एबिलिटी टू इन्फर्स द मीनिंग ऑफ एन एक्सप्रेशन यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट इज नॉन, ऐसा सब कुछ लिखा हुआ है, वर्ड थोड़ा सा मेरे को क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए। तो 39 का यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते 40वां द एबिलिटी टू कन्वेंट ग्राफिक्स सिम्बॉलिक्स इन टू, तो 40वें का ए ऑप्शन हो जाएगा वर्ड अटेक्स। 41वां प्रश्न 41 वर्ड अटेक स्किल्स इज ऑल्सो नॉन एस, तो 41 का ए हो जाएगा फिनोनिक्स एनालिसिस स्केल्स। 42 इज कंसर्ड विथ वर्ड साउंड पैटर्न देट आर ए सिमिलर, तो 42 का ए ऑप्शन हो जाएगा फोनिक एनालिसिस। 43 हाउ मेनी रीसेट पेज शुड बी डेवलप्ड, तो 43 का यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन 3। 44 चूज द करेक्ट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ए हो जाएगा यहाँ पर वेंट, WENT। 45 फाइंड द एडवर्ब फ्रॉम द बिलो सेंटेंस, राम स्लोली स्वेल्ड द साइरफ, तो 45 का हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा स्लोली। 46 यूज करेक्ट प्रीपोजिशंस, तो 46 में दिया हुआ है यहाँ पर आ जाएगा 8 पुलिस कैच द थीफ एट द कॉर्नर, 46 का बी हो जाएगा 8। 47 ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा 47 का एम। 48 का सी हो जाएगा यहाँ पर एन, लॉस एंजलिस हैज एन आइडियल क्लाइमेट। 49 गेट अप माय सन, और 50वां फिलिंग द ब्लैंक्स ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो विद्यार्थियों
ये वीडियो आप वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगता तो वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आपके विश्वविद्यालय में आपकी यूनिवर्सिटी में पेपर होता है तो आप 77-250-44-325 यानी 77-250-44-325 नंबर पर आप अपना पेपर सेंड कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन बनाकर अपलोड कर देंगे। तो विद्यार्थियों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।